अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D स्पेस। बेसिक मॉडलिंग रिलेटेड मोस्टली हमने टूल्स कर लिए हैं कवर, जो पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने किए थे। अगर किसी के मिस हो गए या कोई न्यू आया इस चैनल पे, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, जिसमें इंटरफेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक इंटीरियर का सीन डाउनलोड किया है, ये पिक्चर है। इसमें इंटीरियर का रूम है, टीवी लाउंज है, इसमें हमारे पास वॉल्स मॉडल हुई है, विंडो भी है, ये सोफ़ा सेट, टेबल्स, और ये LCD हमारी यहाँ पे डिस्प्ले पे है। अब हमने ये सारा मॉडल करना है सेम। पर मैं बॉक्स लूँगा स्टार्टिंग में मॉडलिंग के लिए। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? वॉल्स, हमने सबसे पहले जो है वॉल्स क्रिएट करनी है अपने इंटीरियर के लिए। मैं पहले ये वॉल क्रिएट कर लेता हूँ एक सामने की। अब यूनिट सेटअप का हमने देखा था, यूनिट सेटअप कहाँ से होता है, क्योंकि हमने इसको हमने फीट और इंचज में करना है। कस्टोमाइज में जाके यहाँ पर हमारे पास यूनिट सेटअप का ऑप्शन होता है। उसके बाद मैट्रिक पे होगा या आपका US स्टैंडर्ड पे करके डेसिमल फीट करना होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे आते हैं बॉक्स लेके मॉडिफाई में, ये हमारे पास फीट और इंचेस में हो गया। अब मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करता हूँ, हाइट मॉडिफाई में आ गया। अब हम इसकी लेंथ सेट कर लेंगे, विड्थ जो है इसको मैं 14 फीट कर देता हूँ, हाइट जो है हमारी 11 फीट, सॉरी ये लेंथ जो है हमारी वो होगी 9 इंच, थिकनेस जो होगी हमारी वॉल की, और हाइट जो है हाइट 11 फीट करेंगे। ठीक है, पिक्चर्स में देखते हैं। अब ये पिक्चर में विड्थ ज़्यादा है वॉल की हाइट से, तो इट मींस हम इसको एक तो हाइट हम 10 फीट कर देंगे, वॉल जो है हम इसको 20 फीट कर देंगे। विड्थ जो है मूव टूल लेके शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करेंगे, इसकी रोटेशन में आके यहाँ पे आएंगे एंगल स्नैप पे, इसको ऑन किया, इसकी सेटिंग्स में जाके एंगल हमने डिफाइन करना होता है 90 डिग्री पे, हम रोटेट करना चाहते हैं, इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे। मूव टूल ये मूव हो गया। अब यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन देखना है स्नैप का, इसको मैं ऑन करता हूँ, इसकी सेटिंग्स में जाके वर्टेक्स हमने ऑन करना है। वर्टेक्स के हमारे जो पॉइंट्स हैं, अब ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे, विजिबल कर रहे हैं उस पॉइंट को, अगर हम इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे ये दूसरे पॉइंट के साथ लिंक कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट को। ये होता है टूल एक्यूरेसी के लिए हमारा, एक्यूरेट ये प्लेसमेंट करता है चीज़ों की। कॉपी की, फिर से स्नैप ऑन, स्नैप की शॉर्टकट की है एस, ऑन किया मैंने सेलेक्ट करके पॉइंट इसके साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे सामने वाली दीवार हमें विजिबल नहीं हो रही, हम इसलिए वॉल बनाएंगे नहीं अभी हम, क्योंकि यहाँ पे कैमरा प्लेस करके अपना सीन शो करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वॉल में विंडो है, अब विंडो के लिए हमने ये स्पेस सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, हम इस वॉल पे आ जाते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये एजिस लिया, इसके सारे एजिस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वर्टिकल कनेक्शन ऐड करनी है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके कनेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कनेक्शंस 2, और इसकी ये डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन टू लाइंस। ओके किया, इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं हमारे वॉल से जो डिस्टेंस था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टॉप और बॉटम के जो है पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करेंगे, रिंग नेक्ट, ये हमारी दो लाइंस आ गई। अब इसमें हाइट देख लेते हैं हम कितनी हाइट है। ठीक है, हमारा जो टॉप पे जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, नंबर ऑफ कनेक्शंस 2, और ये ऑफसेट आ गया। ओके, अब इसमें से हमने वो विंडो के लिए जगह सब ट्रैक करनी है, स्पेस बनानी है, तो
ये वर्ड प्लेन और बैक प्लेन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास ब्रिज। ब्रिज पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, विंडो की स्पेस बन जाएगी। फ्लोर बना लेते हैं, फ्लोर हमारा सिंपल प्लेन से बनेगा। अब स्नैप ऑन करता हूँ मैं, जिस पॉइंट पे भी ये येलो डॉट हमें शो करेगा ये वहाँ से हमारा मॉडल करना स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट स्नैप हो और ये सेकंड पॉइंट स्नैप कर देगा। ये हमारा फ्लोर हो गया। अब हमने इसकी रूफ बनानी है, स्नैप ऑन किया हुआ मैंने, स्नैप ऑन करके ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर देते हैं स्नैप ऑफ करके। ये इसकी हाइट आ गई, हाइट हम कुछ भी दे देंगे, हमारे पास बिल्कुल प्लेन रूफ है, उसमें कोई डिटेल्स नहीं है इसलिए हम प्लेन ही बनाते हैं। ये हो गई, अब इसको कन्वर्ट टू वेजिटेबल पॉली करके, अब मुझे ये जो पॉइंट्स है ये यहाँ पे मुझे स्नैप करने हैं। अब स्नैप का और ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम यहाँ से स्नैप ऑन करके वर्टिक्स सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, हम यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्नैप्स का ऑप्शन होगा। ये स्नैप्स का ऑप्शन में इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब स्नैप में हमने दो ऑप्शन ऑन रखते थे, स्नैप टू वर्टिक्स टूबल और नेक्स्ट जो है एक्स वाई इनेबल होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, स्नैप करता हूँ इस पॉइंट पे, हमारा ये प्रॉपर स्नैप हो गया वॉल के साथ। अगर एक्स वाई हमारा डिसेबल होता है तो अगर हम इसको मूव करें, हम किसी भी एक्सिस में इन्हें मूव कर सकते हैं मॉडल करते हुए, हमारा भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मॉडलिंग कर रहे हैं। अब मुझे सिंपल स्ट्रेट चाहिए तो मैं सिंपल एक्स वाई करूँगा और इसको इस पॉइंट से सेलेक्ट करूँगा, ये हमारा स्नैप हो गया। सेकंड पॉइंट हमारी ये साइड भी स्नैप करते हैं एस, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, स्नैप हो गया तीनों साइड्स। रियलिस्टिक से हम शेडिट करेंगे ताकि शेडो क्रिएट ना हो हमारे। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने विंडो बनानी है यहाँ पे। विंडो किस तरह बनेगी, हमारे पास यहाँ पे हम अगर इधर आते हैं लाइन लाइन पे शेप्स पे, तो रेक्टेंगल हम लेते हैं, स्नैप किया, फ्रंट व्यू F3, लेफ्ट व्यू पे आते हैं जहाँ पे हमारे विंडो की सब्ट्रैक्शन हुई है। रेक्टेंगल स्नैप ऑन, पर्सपेक्टिव में आते हैं वापस से F3। अब ये हमारे स्नैप हो गया। नेक्स्ट हम मॉडिफाई में आते हैं, रेंडरिंग ऑप्शन में इनेबल रेंडर, इनेबल इन व्यू पॉट ताकि हमारा 3D में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद इसको रेक्टेंगल करेंगे। रेक्टेंगल करने से क्या हुआ, हमारे पास ये फ्रेम आ गया हमारा विंडो का, इसकी विड्थ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ होगी लेंथ कम की। अब इसमें एक सेंटर कनेक्शन भी आ रहा है हमारे पास विंडो में, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम कन्वर्ट वाली टेबल पॉली करेंगे, इसमें भी कनेक्शन ऐड करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट की, इनको कनेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ कनेक्शंस 2। अब इसका डिस्टेंस ऐड किया, ये डिस्टेंस ऐड हो गया, ओके। अब सेम जैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने ब्रिज किया था, कनेक्ट करने के लिए भी दो पैरेलल फेसेस को हम ब्रिज करते हैं, ब्रिज किया तो ये हमारे पास ये मॉडल हो गया विंडो का फ्रेम, ठीक है। अब हमारा ये रूम हो गया तैयार, अब हमने इसमें मॉडल करना है, ये सोफा सेट हो गया और LCD हो गई। पूरे मॉडल को एक मटेरियल लगा देते हैं, सबको सेलेक्ट किया, मटेरियल के लिए शॉर्टकट किया है एम, एम प्रेस करेंगे, मटेरियल स्लॉट हमारा ओपन हो गया। ये फर्स्ट मटेरियल को हम यहीं से साइन कर देंगे, ग्रे कर देना, हमने कंप्लीट जो है हमारा ग्रे हो गया, और इसकी आउटलाइन जो है हमारी उसको हमने ब्लैक करना, तो यहाँ से हम ब्लैक कर देंगे, स्लाइड कलर जो है इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, F4 से हमारी आउटलाइन ओपन हो जाएगी, ये हमारा ग्रे में हो गया। एक कलर स्कीम जो है हमारी प्रॉपर ग्रे में अच्छी लगती है, या हम यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं क्ले का, क्ले में भी हम वर्क कर सकते हैं ऐसे, प्ले में ये हमारे पास शेडो बनते हैं, हमें शेडो नहीं चाहिए इसलिए शेडिड कर देता हूँ मैं, और इसको हम मटीरियल लगाते हैं ग्रे में।
अब नेक्स्ट पिक्चर्स पे आते हैं। पिक्चर में हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सोफ़ा। ये सोफ़ा सेट हमने इसे मॉडल करना है। उसके बाद टेबल है, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ सोफ़ा सेट मॉडल कर लेता हूँ। यहाँ से बॉक्स लिया मैंने, एक बॉक्स लेके हम ये इसकी हाइट दे दी। अब ये प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई डायमेंशंस वगैरह अभी नहीं कर रहा स्केल पे, बस ये प्रोपोर्शन वाइज हमारा प्रॉपर सेट होना चाहिए। इसकी विड्थ होगी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब इसको मैं कनेक्ट करना है, यहाँ पे सिंगल कनेक्शन कर रहा हूँ। सिंगल कनेक्शन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसकी जो साइड पे हाइट है ये बढ़ाने के लिए, एक तो ये हो जाएगा, एक इसके बैक पे हमारा जो बैक साइड है उसको भी हमने करना है साथ इसके एक्सट्रूड। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट हमारे ये साइड की बेस के लिए आ गया, इसको हम बाद में एक्सट्रूड करते हैं। एक पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट किया रिंग, अभी एक हमें हॉरिजॉन्टल कनेक्शन चाहिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कनेक्शन आ गया, हॉरिजॉन्टल कनेक्शन आ गया, इसको मैं बैक साइड पर करता हूँ। ये जी इधर सेट हो गया, कनेक्ट। अब ये लाइन यहाँ पे हमारा जहाँ पे आगे कंटिन्यू होगा, हम पॉलीगॉन यहाँ से फेस ले रहा हूँ मैं, पॉलीगॉन लेके इसको हमने एक्सट्रूड करना है। ओके किया, एक्सट्रूड थोड़ा सा कर दिया, बाकी मैं इधर से गिज़मो से इसको सेलेक्ट करके मूव कर दूँगा। ये हो गया, उसके बाद हमारा एक कनेक्शन यहाँ भी है इस पॉइंट पे कनेक्ट। पिक्चर में देख लेते हैं, ये हमारा जो साइड पे यहाँ पे भी हमारा यहाँ तक है, इसको यहीं तक कर लेते हैं, यहीं पे रखते हैं। ओके है, अब हमने खाली सोफ़ा मॉडल करना है, बाकी सारे को हाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बल्ब का साइन होता है, ये आइसोलेशन में कर देगा इसे। हो गया 3D वाला आइसोलेशन है, ये कोरोना वाला आइसोलेशन ही है। ये हो गया, आइसोलेशन में चला गया, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। जो फेसेस मैंने सेलेक्ट किए, ये हमारी सोफे की साइड आ गई। ओके ओके, पिक्चर ओपन करते हैं, साइड आ गई। अब हम इसमें कुशंस बनाने हैं, का जो सिंपल तरीका है हमने यहाँ पे देखा था एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में, वो था हमारा चैम्फर बॉक्स। चैम्फर बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन करना है, यहाँ से ऑटो ग्रिड करेंगे तो इसके ऊपर से बनेगा चैम्फर बॉक्स। नेक्स्ट हाइट थर्ड हमारा जो है इसका फिलिट आ जाएगा, ये फिलिट रेडियस हो गया। नंबर ऑफ थ्री हैं, थ्री नंबर ऑफ यहाँ पे हमने करने सेट। इसको मैं इस तरह मैनुअली कर लेता हूँ एडजस्ट स्केल से, वाई एक्सिस पे मूव किया इसे, यहाँ पे इस पॉइंट तक ले आए। उसके बाद थ्री नंबर ऑफ कॉपीज यही हैं, जिसका साइज़ अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसका साइज़ थोड़ा सा हम और रिड्यूस करते हैं। साइज़ रिड्यूस हो गया, इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, शिफ्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं इसकी। नंबर ऑफ कॉपीज टू, तीन नौ की कॉपीज, इन तीनों को सेलेक्ट करके अब यहाँ से स्केल करते हैं ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए हमारा। ये हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कॉपी करना है इस पॉइंट पे। हमने यहाँ से सेट करना है। जो कि अभी मैं सारा कुछ स्केल से कर रहा हूँ, प्रोपोर्शन में ही कर रहा, अब इसकी कोई डायमेंशन वगैरह नहीं है, ऐसे ही कर रहा हूँ प्रोपोर्शन वाइज। हमने देखना होता चीज़ों को, ज़रूरी नहीं होता आप हर चीज़ के डायमेंशन पे करें। अब ये हमारा हो गया मॉडल,
ऑप्शंस आ गए हमारे जो बैक क्वेश्चंस हैं, बैक साइड वाले, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। रोटेशन एंगल ये स्ट्रेट हो गया, राइट प्लेसमेंट होगी इसकी। यहाँ से मैं एंगल का ख़त्म करूँ ताकि हम थोड़ा सा अपना मैनुअली एंगल दे सकें। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा, इसकी थिकनेस कम करते हैं। एक तो थिकनेस हो गया, नेक्स्ट जो है सेकंड जो है हम इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हल्का सा इसको टिल्ट करते हैं बैक साइड पे, इसका प्लेस कर देते हैं। ये हो गया एक, ये हमारी 4 नंबर ऑफ कॉपीज आ गई। लास्ट वाले को हम थोड़ा सा स्केल करके सेट कर लेते हैं। ये हो गया, ये इधर आ गया, सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम इसी चैम्फर बॉक्स से बनाते हैं। चैम्फर बॉक्स थर्ड ऑप्शन ये आ गया हमारे पास। अब जरूरी नहीं है सेम प्लेस करें, हम रैंडम भी इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं चीज़ों की। एक तो ये आ गया, इसको हम ऊपर करता हूँ मैं इसे एंगल। एक हो गया, एक हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये एंगल दिया मैंने, इसको रखता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर। एक हो गया सेकंड, यहाँ पे कॉपी कर लें इसको, हम थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं ताकि रैंडम लगे चीज़ें हमें। हो गया एक क्वेश्चन, हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्केल पे आ गए, इसके दो एक्सिस में स्केल बढ़ा रहा हूँ मैं। रोटेट, इसको रोटेट किया, उसके बाद यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अभी इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। एंगल ऑन किया, एंगल रोटेट, एक प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लेग्स हैं नीचे, लेग्स किस तरह बनाते हैं, एक बॉक्स ले लेता हूँ उसी से हम कॉपी कर लेंगे। ये एक होगी, इसको शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करना, दो होगी। उसके बाद इस साइड पे हम ले आते हैं, चार और दो यहाँ पे कर देता हूँ प्लेस इस कॉर्नर में। ओके ओके, ये हमारा सोफ़ा तैयार हो गया। इस पूरे को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ, यहाँ से करेंगे हम ग्रुप। ग्रुप हो गया, आइसोलेशन से बाहर आते हैं हम, एम प्रेस किया, मटेरियल असाइन कर देते हैं हमारा ग्रे मटेरियल, और आउटलाइन के लिए यहाँ से ब्लैक। ये आ गया जी, हमारा सोफ़ा सेट बन गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा दें ताकि इसकी लेग्स आ जाएँ। स्नैप ऑन करना है यहाँ से, इस पॉइंट से। स्नैप ऑन, स्नैप बल्कि ऑफ रखें, यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं रैंडम प्लेस। ये आ गया हमारे लेग्स के साथ सोफा सेट आ गया। अब हमने आगे करना है टेबल डिज़ाइन। टेबल किस तरह करते हैं हम, अगर फ्रंट व्यू पे आते हैं, फ्रंट व्यू पे आ गए, F3, ये हमारा सोफ़ा है, इसके आगे हमने टेबल बना लिया है। शिफ्ट प्रेस करके रखना है ताकि हमारी लाइन जो है स्ट्रेट लगे। ये हमारी लाइंस लग गई तीन, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पॉइंट होना चाहिए। स्नैप करके हम दोनों पॉइंट्स को एक्स वाई ऑन रखना है, दोनों को हम एक लेवल पर प्लेस कर देते हैं। F3,
अब इसको हम आगे लेके आते हैं पर्सपेक्टिव। अब नेक्स्ट जो है हमारी इसकी रेक्टेंगल की लेंथ दे देते हैं, हमारी थिकनेस आ जाएगी टेबल की। सिंपल सी है, बहुत आसान है टेबल ये बनाना। टेबल आ गई। अभी इसकी जो लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसके पॉइंट्स लेके मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ दोनों तरफ से। दोनों तरफ से हमारी लेंथ रिड्यूस होगी। ठीक है, टेबल भी आ गई हमारी। अब नेक्स्ट क्या रहेगी हमारे पास? अच्छा, साइड लैम्प बनाना है। साइड लैम्प बनाने के लिए ना हम यहाँ पे एक सिलेंडर लेते हैं। ये एक सिलेंडर आ गया साइड लैम्प के लिए। फ्रंट व्यू पे आता हूँ, F3। अब हमने ये गुलाई बनानी है, ये जो यहाँ पे हमारे इसके साथ चल रही है। ये किस तरह बनाएंगे हम? लाइन ले लेते हैं, लाइन नहीं बल्कि सिलेंडर लेते हैं। पर्सपेक्टिव में आते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर सिलेंडर से बनाते हैं। हाइट दे देते हैं इसकी। हाइट देने के बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडिफायर्स था। पहले तो सेगमेंट्स हमने बढ़ाने हैं, हाइट सेगमेंट्स बढ़ा दें क्योंकि हमने इसको बैंड मॉडिफाई लगाना है। बैंड पे आते हैं, बैंड मॉडिफाई लगाया, एंगल दे दें। ये एंगल आ गया हमारा। एंगल आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसको कन्वर्ट वाई टेबल पॉली पॉलीगॉन लेते हैं हम। इसके बेस पॉलीगॉन सारे सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रो करते हैं ताकि ये थोड़ा सा इक्वलाइजेशन ऑल्ड से डी सिलेक्शन हो जाएगी जो एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है। एक्सट्रूड, ये हमारा एक एक्सट्रूड हो गया बेस की तरफ सीधा स्ट्रेट। उसके बाद फ्रंट पे आते हैं, यहाँ से एक लेते हैं हम सफेयर। सफेयर लिया, यहाँ पे हम बना देते हैं जो इसकी बेस के लिए पर्सपेक्टिव। मूव टूल, इसकी प्लेसमेंट होगी। उसके बाद हम इसको कर देते हैं हेमी सफेयर को हम कर देते हैं ऑन। इसको हम कह देते हैं इस पॉइंट तक। अब इसको हमने रोटेट करना है, एंगल रोटेशन हो जाएगी हमारी ऑन। ये टॉप व्यू पे आके F3, ताकि टॉप व्यू से हमारी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाती है चीज़ों की। पर्सपेक्टिव F3, हम इसे वह थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि ना थोड़ी सी इसमें। अब इस सबको हमने कर देना ग्रुप, ये हो गया ग्रुप। अब इसकी प्लेसमेंट सोफे के साइड पे, सोफे के बल्कि बैक साइड पे, थोड़ा सा सोफे की बैक साइड पे है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर देते हैं टेबल की तरफ। ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे एंगल दे के ताकि ना सोफे के सामने डिस्टर्बेंस ना हो। ये हमारी इधर प्लेसमेंट आ जाएगी। एक तो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको हम यूनिवर्सल स्केल पर रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा। बल्कि वही स्केल सही था, ये स्केल सेट हो गया। इसके बाद इसको मटेरियल लगाते हैं, टेबल को मटेरियल लगाते हैं एम्प्रेस करके। दोनों को मटेरियल लगा के इसकी आउटलाइन जो है ब्लैक कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे LCD है। LCD क्या कहते हैं, हम सिंपल बॉक्स रखते हैं, उसके ऊपर हम LCD शो कर देते हैं। ये बॉक्स आ गया हमारा, TV रैक हो गया। उसके बाद हमने इस पे LCD क्या करना है, LCD हम किस तरह बनाएंगे? सिंपल एक बॉक्स लेता हूँ मैं, आइसोलेशन में ले आए, आइसोलेशन मोड में ले आके कन्वर्ट वाली टेबल पॉली। थोड़ा प्रोपोर्शन वाइज इसको देखना है, एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट जो है इंसेट, थोड़ा सा इसमें ताकि कट आ जाए। एक्सट्रूड के बाद इसको मैं थोड़ा सा बेवल करना था। ये थोड़ा सा बेवल हो गया, इसको हम थोड़ा सा
बैक साइड पे जाते हैं, इसको फिर से हम थोड़ा सा बेवल करते हैं, ये थोड़ा सा और बेवल हो गया, ओके हो गया। इसको वापस आइसोलेशन से बाहर आते हैं, अब इसकी स्क्रीन बनानी है। स्क्रीन किस तरह बनाएंगे, पॉलीगॉन लेके फेस सेलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट ओके, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड हमने माइनस में करना है, नेगेटिव करना है, ये थोड़ा सा एक्सट्रूड हो गया, हमारा कट आ गया एलसीडी का बैक साइड का, थोड़ा सा हम बैक पे ले जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके मटेरियल लगा के ये हमारा सीन क्रिएट हो गया, पूरा मॉडल हो गया। जैसे हमारा पिक्चर में था, हमने कोशिश की है वैसी सेम थोड़ा मॉडल करें। अभी हमारा थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ गया, हमने थोड़ा सा ये स्केल आउट हो गया, बाकी आप ये प्रैक्टिस करें, बना के देखें।